फिर ड्रामा कुछ अनकही की अगली किस हफ्ते को ऑन एयर हुई। माफी चाहती हूँ, रिव्यू में थोड़ी देर हुई। किस इतनी ड्रैग थी, ड्रैग की बजाय ये कहूँ कि एक जगह जमी रही, खड़ी रही। मसाइल सामने आ जाएं तो उनके उनके आगे वो कहते हैं शुतुरमुर्ग बनना जरूरी नहीं होता, उनका हल निकालना जरूरी है। वालिद जो है वो बज करने को तैयार नहीं है और वो अपने बेटे से बात करने को उस तरह तैयार नहीं है। बाप ने भी दो शादियां कर ली, बेटी का घर भी नहीं बसा और बच्चे नहीं चल रहे, तो इट्स काइंड ऑफ ओपन फॉर देम। तीन किस्तें हो गई हैं इबहाम रखते हुए कि क्या हुआ दीपक के साथ, क्या हुआ। अब आप हमें बताएंगे भी तो हमें कोई ख़ास नहीं आएगा कि दीपक के साथ क्या हुआ। वो स्टोरी का कॉन्सेप्ट आगे गया ना, किरदार आगे गए, तो ऐसा फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो ये मुझे अभी तक की किस्तों में सबसे हल्की किस्त लगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा कुछ अनकही की अगली किस्त हफ्ते को ऑन एयर हुई। माफ़ी चाहती हूँ, रिव्यू में थोड़ी देर हुई, मगर आपने चूँकि टीज़र देख लिया था, अब तो खैर ड्रामा भी देख लिया होगा। मेरे लिए जब मैंने ड्रामा देखा तो ड्रामा टीज़र की हद तक ही मुझे नज़र आया, क्योंकि किस्त इतनी ड्रैग थी, ड्रैग की बजाय ये कहूँ कि एक जगह जमी रही, खड़ी रही। सारी वो कहते हैं ना प्लॉट, कहानी, सीन, किरदार सब एक जगह आके ना स्टैचू, तो वो स्टैचू से मुझे नज़र आए। यस, पॉजिटिव मैसेज की एक जो कंटिन्यूटी है हमारे तक पहुंचाने की, वो ज़रूर शामिल रही कि शादियों के साथ कितने मसाइल जुड़े होते हैं, और एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ बेटियां हों, उनके वालदैन के ऊपर कितना प्रेशर होता है, क्यों बेटियां बोझ। एक तरफ अगर माँ बेटी बोझ समझ रही है तो बाप इस कंटिन्यूस इस कंस्ट्रक्ट के ख़िलाफ़ है कि नहीं, मैंने तालीम उनको दिलाई है, पैरों पर खड़ा कराया, वो बोझ नहीं है, और उनको उनकी ज़िंदगी के फैसले करने का भी इख्तियार है, उनको काम करने का भी इख्तियार है, और उनके फ़ैसले हमें समझ बूझ के करने चाहिए जहाँ पर उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, ना ये कि उनको भाड़ में झोंक दिया जाए। तो इस किस्त में वो अम्मा जो हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा लोग क्या कहेंगे कि प्रेशर में है, तो वो उन्होंने हार्ट अटैक हो गया, यही होंगे ना, हाय नहीं हाय माँ प्यो की जान लै जान गया है कुड़ियाँ, वो जी ब्याह टुट गया है, हो गया कोई ऐ नहीं कहता, कोई मुंडे को ही पूछ लो वो की होया सी। मैं और यही बात है, यही हकीकत है, और शायद इसी बात को अहम समझते हुए डायरेक्टर साहब ने ये मुनासिब समझा कि इस पूरी किस्म में इस मैसेज को बहुत 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 हैमर किया जाए। एक खूबसूरत सीन से इसको और ज़्यादा हैमर किया गया कि अगर मसाइल सामने आ जाएं तो उनके उनके आगे वो कहते हैं शुतुरमुर्ग बनना ज़रूरी नहीं होता, उनका हल निकालना ज़रूरी है। जहाँ पर थानवी जो बाबर अली किरदार अदा कर रहे हैं और आगा जान जो है वो मिल के शतरंज खेल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं आप फंस गए हैं, आपको हल निकालना होगा, तो उस वक्त के डायलॉग बड़े खूबसूरत थे। और ये जो इस्तारा लिया गया कि ज़िंदगी किस तरह एक शतरंज की बाजी है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे प्रोज में, हमारी पोइट्री में इस्तेमाल होता है, जिसकी फ़कत वजह यह है कि शतरंज की का जो खेल है वो पेशेंस मांगता है, फार साइट मांगता है, उसमें जल्दी नहीं है, उसमें सोच विचार के साथ फैसले किए जाने होते हैं। आपको पहले जो गेम हुई उसको आपने जो खेली, दूसरे ने खेली, उसको भी याद रखना जाना ज़रूरी है, और आगे भी आपको दो घर आगे की गेम का भी पता होना चाहिए, तो शायद इसलिए उससे तशबीह दी जाती है। तो वो बहुत खूबसूरत थे। सामिया जो है वो दब्बू होती चली जा रही हैं, जो मुझे नहीं समझ आ रही कि एक लड़की आजकल के ज़माने की है, 2023 की लड़की है, मास्टर्स उसने किया हुआ है, शी इज़ प्रीटी इंडिपेंडेंट, उसका बाप, बहनें, पुप्पो सब उसके साथ खड़ी हैं, खुद लड़के की गर्लफ्रेंड ने बात कर ली, तो क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसके ऊपर बात क्यों नहीं समझा पा रही अपनी अम्मा को भी ये बात। और जब खैर फिर भी उन्होंने थोड़ी हिम्मत की और अपने ससुराल में फ़ोन किया, तो वो आगे से उन्होंने एक और स्टोरी बुन दी, वो अपनी जगह उस तरफ जाएं। तो परपेचुअल ये मैसेजिंग रही कि लड़के भी वीक होते हैं और लड़के दब्बू होते हैं। तो सैफुररहमान वो कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, और उनका लो कॉन्फिडेंस होना अपनी माँ से चाहे बात करने के लिए, ये कहना कि अल्लाह करे आगा जान खुद ही रिश्ता तोड़ दें, या उनकी वो कहते हैं ना गर्लफ्रेंड या मंगेतर जब वो उसको कहती हैं कि
तुम जो है ना, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत पसंद है, ये काम तुम बहुत अच्छा करते हो। तो वो आगे से कहते हैं मैं भी कोई काम अच्छा कर सकता हूँ। तो एक ये लो कॉन्फिडेंस भी जो हम एक खास सेल्फ के साथ सिर्फ लड़कियों के साथ जोड़ देते हैं कि वही नहीं कर पाती और लड़के जो हैं वो सब कुछ कर गुजरते हैं, वो भी गलत है। तो वो स्टेरियोटाइप इसमें भी ब्रेक होता रहा। वालदैन की तरफ के एक तरफ लड़की जिसकी 3 बेटियाँ हैं, वो वालद अपनी बेटी के पीछे खड़ा है, वो बारहा उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम जो फैसला भी करोगी मैं हूँ और मैं उसको सामने दूंगा। और दूसरी तरफ एक अमीर बाप भी दिखाया हुआ है, जो एक पैरल स्टोरी शरियार मुनव्वर वाली चल रही है, कि उसमें वो वालिद जो है वो बज करने को तैयार नहीं है और वो अपने बेटे से बात करने को उस तरह तैयार नहीं है, और उनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो इतनी स्ट्रेन है कि वो जगह नहीं दे रही। तो वहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत डायलॉग आया कि वालदैन को मोहब्बत करनी नहीं दिखानी भी आनी चाहिए। और फिर मगर उसमें भी वो स्टीरियोटाइपिंग जिसमें कि वो अगर आप एक कहते हैं ना हायर इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अमीर हैं तो वहाँ वैल्यूज़ नहीं होती, तो इसलिए अगर बाप ने भी 2 शादियाँ कर ली, बेटी का घर भी नहीं बसा और बच्चे नहीं चल रहे, तो इट्स काइंड ऑफ ओपन फॉर देम। ओपन नहीं है, उनके अपने इमोशनल ट्रामाज हैं और इमोशनल ट्रामा हर इंसान के साथ लगा हुआ है। तो ये मैसेज भी अच्छा रहा। अगेन दीपक वाले जो फिर अगली चीज़ दीपक की थी, दीपक अब उसमें कोई इबहाम नहीं रह गया कि दीपक सेक्सुअली मोलेस्ट हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, और वो घर बता नहीं पा रहा, वो यहाँ भी बता नहीं पा रहा। मगर जाहिर है कि वो बच्चा है, वो उतने स्ट्रॉन्ग यू नो वो एक्सप्रेशंस को नहीं ला सकता, क्योंकि ये उसकी उम्र और के हिसाब से ये उसकी उम्र से ऊपर की बात है समझना कि ऐसी सूरत हाल में किस तरह का एक्ट करना हो। मगर डायरेक्टर साहब अगर उससे किसी चीज़ की खौफ के एलिमेंट की एक्टिंग को थोड़ा सा बेहतर करवाते तो ज़रूरी था। और चूंकि बच्चा वो वाली एक्टिंग नहीं दे पा रहा, तो फिर अब स्टोरी को खोल दीजिए। अब 3 किस्तें हो गई हैं इबहाम रखते हुए कि क्या हुआ दीपक के साथ, क्या हुआ। अब आप हमें बताएंगे भी तो हमें कोई ख़ास नहीं आएगा कि दीपक के साथ क्या हुआ। अब हम सबको पता है दीपक के साथ क्या हुआ। अब देखना यह है कि आगे उसको हैंडल कैसे करते हैं। उसका इंतज़ार रहेगा। सामिया और सामिया की पुप्पो के दरमियान जो नोक झोंक है वो बहुत प्यारी है, बहुत नॉर्मल है, कि किस तरह एक कॉन्फिडेंस रिश्ते देते हैं एक दूसरे को, और बात करने से कितने मसाइल हल हो सकते हैं, और उसमें उसको लाइट मोड से भी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। सलमान और आलिया जो इस कहानी के हीरो हीरोइन हैं, उनकी भी छोटी छोटी नोक झोंक जारी रही। तो ये छोटे छोटे जिसको कहते हैं ना स्पॉट्स के साथ कहानी एक जगह टिकी रही। तो कभी कहीं से टॉर्च ऑन हो गई, बंद हो गई, एक दूसरी जगह से ऑन हो गई, बंद हो गई, बट ओवरऑल मैं ड्रैग नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ये किस्त एक जगह जमी हुई नजर आई। आई होप अगली किस्त में स्टोरी को ज़रा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं हिली, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, ना स्टोरी का कॉन्सेप्ट आगे गया, ना किरदार आगे गए, तो ऐसा फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो ये मुझे अभी तक की किस्तों में सबसे हल्की किस्त लगी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, उसका शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, और जैसा होगा और जैसा मुझे लगेगा वो मैं आपको फिर सुनाऊंगी। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।